रायपुर में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और लोगों की लापरवाही को देखते हुए पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की लगातार जांच की जा रही है और बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है, साथ ही दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि नेट के एग्जाम के चलते सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है पुलिस की टीम ज्यादा सख्त नजर आ रही है। हर गली हर चौक चौराहों पर पुलिस की टीम मुस्तैद है और आज गली मोहल्लों पर निगरानी भी जो है वो पुलिस की टीम के द्वारा रखी जाएगी। पहले के मुकाबले में आज गाड़ियों का जो काफिला है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि आज नेट का एग्जाम भी है और एग्जाम के कारण ही ये जो काफिला है वो ज्यादातर दिख रहा है। इस वजह से राजधानी रायपुर की हर गलियों में पुलिस की टीम जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। हर चौक चौराहों पर पुलिस की टीम मौजूद है। यदि कोई भी बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उस पर पूछताछ की जा रही है, उसका आईडी देखा जा रहा है, प्रूफ मांगा जा रहा है कि आपको क्यों बाहर निकल रहे, तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हर चौक चौराहों पर पुलिस की टीम मौजूद है। राजधानी रायपुर की सड़कें जो है वो सूनी नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर कोई बेवजह बाहर निकलता है तो उस पर लगातार कार्रवाई भी पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो बेवजह घर से बाहर न निकले, जिससे कि संक्रमण का जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।